नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कद्दू की सब्जी बना रही हूँ यूपी स्टाइल में, जो हलवाई लोग बनाते हैं। ये भंडारे की सब्जी, शादी हो या कोई फंक्शन हो या त्योहार हो, सभी में ये बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे पूड़ी रोटी के संग खा सकते हैं। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप कद्दू की सब्जी बनाते हैं अच्छी नहीं बनती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज के बाद आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो कद्दू लिया है। इसको कद्दू को सीताफल भी कहते हैं, पेठा भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसे कहा जाता है। तो यहाँ मैंने 1 किलो पेठा लिया था। इसका अंदर से गूदा निकाल कर ये हमारा 800 ग्राम बैठा है पेठा। आप अपनी पसंद के हिसाब से बारीक मोटा काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे एक साइज में काटेंगे तो आपका पेठा अच्छा कटेगा। तो यहाँ मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, क्योंकि पेठा बनने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसे घोट के बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से धो के काट लिया है। यहाँ मैंने पेठे के छिलके नहीं काटे हैं, क्योंकि ये कच्चा छिलका है। अगर यहाँ पक्का छिलका होता है, टाइट होता है, तो आप इसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि फिर ये सब्जी बनने में बहुत ही टाइम लेता है। अगर कच्चे हैं तो आप रखिएगा। तो यहाँ मैंने छिलके सहित काटा है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है और यहाँ मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में बनाएंगे तो पेठे की सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा तेल डाल रही हूँ, आप कम तेल भी डाल सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा तेल में ही हलवाई वाले यूज करते हैं। अगर आप कम डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। सरसों का तेल कभी भी आप डालें, या तो आप उबाल के पहले रखिएगा, और नहीं तो उसका कच्चापन दूर कर लीजिएगा। कच्चापन दूर करने के लिए अगर आप चुटकी भर इस तरह से नमक डाल देते हैं तो सरसों के तेल में स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ मैं तेल हमेशा उबाल के रखती हूँ। ये मैंने आपके बताने के लिए डाला है सरसों का तेल। यहाँ मेरा सरसों का तेल गर्म हो चुका है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ क्या क्या मसाले लिए। तो यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच हींग लिए, हींग इसमें थोड़ा ज्यादा डाला जाता है। और यहाँ मैंने 3 तेज पत्ते लिए हैं। और यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है। 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा लिया है। और यहाँ मैंने 3 लाल साबुत मिर्च लिए हैं। और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च लिए। ये मोटी वाली है, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है, तो यहाँ आप तीखी का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हींग, मेथी दाना ये सब डाल दूंगी। यहाँ मैं जीरा, मेथी दाना डाल रही हूँ। गैस को मैंने बिल्कुल धीरे कर रखा है। और यहाँ मैं हींग भी डाल दे रही हूँ, जो मैंने 1/2 छोटा चम्मच लिया है। हींग बहुत जरूरी है। और यहाँ 3 तेज पत्ते भी डाल दिए। मेथी दानों को आपको पका लेना है। अगर इसको थोड़ा सा भी कच्चापन रहता है तो ये कड़वा लगता है, तो आप इसको हल्का सा सेक जरूर लीजिएगा, तो ये कड़वापन नहीं लगता है। अब मैंने यहाँ पे ये मेथी दाना हमारा पक चुका है, तो यहाँ मैंने जो मिर्च और साबुत मिर्च और हरी मिर्च लिए, इन्हें भी मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी ली है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर ज़्यादा डलता है। अभी इन मसालों को भी मैं साथ ही साथ डाल दूँगी। और साथ में ही यहाँ पे मैंने 2 टमाटर पीस के रखे हैं। ये आपकी इच्छा है डालें नहीं डालें, क्योंकि हमें आमचूर भी डालना है। आमचूर के बिना सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक का पीस भी पीस लिया था साथ में, तो यहाँ दिख रहा होगा अदरक भी। तो यहाँ दोनों चीज़ों को डाल लेंगे। इन्हें मैं 2-3 मिनट तक पका लूँगी। पहले 2-3 मिनट हो चुके हैं और घी ये छोड़ चुका है, जो तेल डाला था हमने। और यहाँ मैंने गुड़ लिया है, तो यहाँ मैंने 3 पीस गुड़ लिए हैं। ये नाप में 50 ग्राम होंगे, मैंने नापा नहीं है, पर अंदाज से इस तरह से मैंने 3 पीस डाल दे रही हूँ। आप गुड़ की जगह चीनी का यूज कर सकते हैं, चीनी आप बाद में डालिएगा, गुड़ पिघलने में टाइम लगता है। और साथ में यहाँ पर मैं पेठा डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ नमक डाल दे रही हूँ, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा 1/2 छोटा चम्मच काला नमक भी डाल रही हूँ। ये दोनों नमक ही टेस्ट सब्जी में लाते हैं। मसाले मैंने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हमें ढककर 15 से 20 मिनट तक पका लेना है, जब तक ये सब्जी गल ना जाए। तो यहाँ मैं इसको मीडियम आंच पे मैंने गैस को कर दिया। और सब्जी में हमने पानी नहीं डाला है, सब्जी में पानी खुद ही बहुत होता है, ये थोड़ी देर में पानी छोड़ देगी। यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी आधी पक चुकी है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे गल चुकी है ये। इसे हमें बीच बीच में चला लेना है। और आप देख रहे होंगे पानी अभी भी थोड़ा बहुत है ये। और इसको अच्छी तरह से हमें इस तरह से दबा दबा के इसे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ सब्जी हमारी ये पक चुकी है, तो यहाँ जो बाकी बचे हुए मसाले हमें और डाल देने हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है और 1 चम्मच सौंफ ली है,
और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने आमचूर लिया है। आमचूर आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है, ये भी आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले मैं यहाँ डाल दे रही हूँ इसको। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हरा धनिया भी डाल देंगे। और इसको दोबारा से चला कर हमें 5 से 10 मिनट पका लेना है। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है और देख रहे होंगे कि सब्जी में ये पानी बिल्कुल सूख चुका है और इसमें से घी भी हमारा हल्का सा तेल छोड़ने लगा है इस तरह से। और सब्जी अपने हिसाब से खड़े पीस और जितना आपको घुटा के पसंद है उस हिसाब से बना सकते हैं। और सब्जी में अगर मसाले थोड़े से भी कम रह जाते हैं तो सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये तीखी खट्टी मीठी सी होती है पेठे की सब्जी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।